बाबा ये माउंट आबू में
बाबा जो बोले बीके और पीके बोले, जो बीबी के नहीं बोले क्या? जी में बी समाया हुआ। प्रजापिता ही तो ऐड नहीं है बीके में, क्योंकि प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है या नहीं है? प्रजापिता स्वयं में ब्रह्मा है या नहीं है? प्रजापिता स्वयं में भी ब्रह्मा है, लेकिन टाइटल लगा हुआ है प्रजापिता का। और जो ब्रह्मा है, जो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के चार पांच रूप दिखाए जाते हैं, उनमें सब रूपों में प्रजापिता का टाइटल नहीं लगा हुआ है। सारी प्रजा का पिता एक है, लेकिन वो भी ब्रह्म है। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। प्रजापिता से कम नहीं, बाप दादा से। बाप दादा और बाप दादा की तुलना किससे की गई? दादी से। माने दादी भी बाप से कम नहीं है, दोनों शक्तिशाली है कि नहीं? कितने शक्तिशाली? बाप भी सर्वशक्तिमान कहा जाता है और माया भी सर्वशक्तिमान कही जाती है, इसलिए कम नहीं। और 63 जन्म भगवान से जितना प्यार करते हैं, वो तो 63 जन्म दिखावे का प्यार होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भगवान नहीं होता। लेकिन माया से भी प्रैक्टिकल में प्यार होता है या नहीं होता है? 63 जन्मों में माया से प्यार होता है या नहीं होता है? होता है, इसलिए बोला कि कम नहीं है। उसका बेटी के रूप में भी जन्म लेता है ना? जरूर बेटी के रूप में जन्म लेती होगी, दुनिया की नजरों में बेटी हो। मुसलमान बादशाह होते थे भारतवर्ष में, जैसे शाहजहां हुआ, उनको बेटी भी होती थी, होती थी या नहीं? होती थी। लेकिन किसी ने सुना कि भारत के शाहजहां ने अपनी बेटी का ब्याह किसी व्यक्ति के साथ किया? किया कहीं हिस्ट्री में आया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो खुद तो शाहनशाह है, बादशाह है, तो अपनी बेटी किसको दे? अपने से ऊंचे को दे या नीचे को दे? ऊंचा कहां से आएगा? और बेटी भी किसी नीचे घर में जाना चाहेगी? वो भी नहीं जाना चाहेगी। रह गए हिस्ट्री में, कुआरे ही रह गए। और तो अच्छी बात है।
अच्छी बात है, कन्या रह गई तो कन्या रह गई, फिर माया बेटी नाम क्यों पड़ा? कोई मायावी संकल्प अंदर होगा ना। और माउंट आबू में बाबा, माउंट आबू में बाबा जो बोल रहे थे मन के पंख से उड़ के जाने, कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं उनको? अब देखो बाप दादा, जब गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो उस समय सूक्ष्म बदन की बातें सुनाते हैं। जो सूक्ष्म बदन साकार में होते हुए भी सूक्ष्म मनन चिंतन की स्टेज में रहने वाले हैं, उनके लिए सूक्ष्म बदन लागू होता है। जहाँ प्रैक्टिकल में बाप दादा का पाठ चलता है, और बड़ी मम्मा से कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ, सुनता सुनाने को वो बात है आपको बताई। एक तो कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ और दूसरा सुनने सुनाने का पाठ हुआ। तो सुनने सुनाने का पाठ, ये तो भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई। और जिसे कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ वो सिर्फ टाइटलधारी कृष्ण हुआ या टाइटलधारी ब्रह्मा हुआ या प्रैक्टिकल ब्रह्मा हुआ? टाइटलधारी हुआ। भक्ति मार्ग में जिस कृष्ण की यादगार है वो किस समय की यादगार है? संगम युग में भी लास्ट समय की यादगार है या सन अड़सठ से पहले के पाइप की यादगार है? जब कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनता है उस समय की यादगार है। आदि को अंत बोलते हैं, आदि में अधूरा है या संपूर्ण है? हैं कृष्ण अधूरा है। अभी भी कृष्ण की सोल अधूरा है या संपूर्ण है? अभी भी अधूरा चंद्रमा है। जब 16 कला संपूर्ण बने तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। अभी भी चंद्रमा अधूरा है, माना सूर्योदय नहीं हुआ है। कृष्ण बच्चे का जन्म होता है, अगर असली कृष्ण का जन्म सत्युग के आदि में हो जाए, हो गया है, शूटिंग हो गई है, तो जो सत्युग आने वाला है प्रैक्टिकल में उसमें जन्म कैसे होगा? ये अंतर की बात है। यज्ञ के आदि में कोई कोई आत्माएं थी जिन्होंने अंदर से दादा लेखराज को ऊंचे से ऊंचे हस्ती के रूप में स्वीकार कर लिया। और जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण है।
जो आत्मा सिर्फ सुनती है, सुनाती है, लेकिन अंदर की ये भाव नहीं बैठ पाता कि ऊंचे से ऊंचा पाठधारी कौन है। उसकी बुद्धि में गीता का भगवान कृष्ण बैठता है। ये गीताएं भी दो हो गई, एक झूठी गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है, और एक सच्ची गीता जिसके दिल पर यज्ञ के आग में भी ऊंचे से ऊंचे पाठधारी की छाप थी, जो आग में भी ऊंचा था और अंत में भी नरसे नारायण बन करके ऊंचे से ऊंचा साबित होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे बड़ी मम्मी जो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाल करके चली गई, उसने ब्रह्मा को फॉलो किया, तो छोटी माँ ने क्यों फॉलो किया? उसको तो फॉलो नहीं करना चाहिए, इसलिए फॉलो किया कि ब्रह्मा उनका भाई था लौकिक में भी, और लौकिक अलौकिक दोनों में तोड़ निभाने के लिए तो अभी बाबा ने बोला है। तो प्रैक्टिकल में पहले से ही, आज से ही बुद्धि में समाया हुआ है, इसलिए अपोजिशन नहीं किया। अभी भी वो आत्मा दूसरा जन्म लेकर के पार्ट बजा रही है, तो भी अपोजिशन बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। और चली नहीं गई है, अभी चले गए तो उनके साथ नहीं। उस समय की असलियत तो दीदी दादियों को ही पता होगी, दो माताएं थी, उन दोनों माताओं में एक माता प्रजापिता की पत्नी के रूप में थी, और जो पत्नी के रूप में रही होगी उसके साथ संस्कार मिल रहे होंगे, या दूसरी माता के साथ पूरे संस्कार मिल रहे होंगे। क्योंकि गायन है विष्णु से ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा हुआ, तो यज्ञ के आज में भी कोई विष्णु रहा होगा, विष्णु के रूप में पार्टधारी कोई रहा होगा, वो कौन? क्योंकि दादा लेखराज जो ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुए, उनकी पत्नी यशोदा, वो तो समान संस्कार वाली नहीं थी। अगर समान संस्कार वाली होती तो यज्ञ के अंदर ओम राधे सरस्वती को टाइटल नहीं मिलता यज्ञ माता का। और श्री कृष्ण अभी आपको जितना भगवान करना आदर में किसको नहीं है मुझे मान देना। श्री कृष्ण की ही बात नहीं है, परंतु जब कभी अपने आपको आदर में किसी को भगवान साबित नहीं है तो कृष्ण क्या गलती करना होगा? है जब तक ब्रह्मा अपने आपको ब्रह्म
लेकिन तो हम अपने आपको जितने भगवान साबित नहीं करे तो कैसे समझे करेगा अपने आपको मानता नहीं ना पहले पता तो लगे है कौन जो अपने आप अपने को साबित करे अपने आप अपने को सिद्ध करे वो भगवान साबित होगा उनके तो क्या पाठधारी साबित होगा या जो साबित भी न करे स्वीकार भी न करे फिर भी संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए वो भगवान का पाठ होगा। दुनिया में ब्रह्मा अपने आपको सचेत नहीं करे तो श्री कृष्ण कैसे मानता है गीता भगवान साकार मेरे से बड़ा शरीर है दुनिया में। एक्ट ऐसी है जिस एक्ट के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाएगा। परंतु इतना साल तक नहीं मान इतने साल तक तो अभी तक होना नहीं है क्या ब्रह्मा पैदा होता है इतने साल हो गए 70 साल 70 साल में तो हुआ नहीं अब कैसे हो जाएगा। ये नित्य की निशानी है ये अनित्य की निशानी है निकाय की निशानी अनित्य की निशानी भगवान को अपने को भगवान कहने की दरकार है छोटा कहना बाजे घना। दुनिया में ढेर सारे भगवान हुए हैं जो अपने को भगवान साबित करके गए लेकिन क्या वो भगवान हुए भगवान को अपन को भगवान कहने की या साबित करने की दरकार ही नहीं। भगवान का जो कार्य है वो कार्य करके दिखा दे जो दूसरों ने नहीं किया हो। भगवान का कार्य है नरक को स्वर्ग बनाना सारी पतित दुनिया को पतित से पावन बनाना पतितों के बीच में रह करके पतितों को पावन बनाना। जो कहते गए शिवो हम आत्मा तो परमात्मा वो अपने घरवास को तो छोड़ करके भागे तो परमात्मा पाठ कैसे साबित होगा। आखिरी जगह पे जाके नीचे क्यों गए हाँ हाँ पुरुषार्थ के जीवन माना शूटिंग का जीवन रिहर्सल का जीवन। तो अगर रिहर्सल के जीवन में कभी नीचा पाठ नहीं बजाया तो आखिरी जगह में नीचे कैसे गए गए मना श्रेष्ठ जन्म निंदा कराने के पात्र नहीं बनते लेकिन आखिरी माया को माया जो है वो उनको जीत लेती आखिरी जन्म। तो आखिरी जिस जन्म में उनको जीतेगी तो यहाँ शूटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये शूटिंग ना करें तो उनके नंबर कैसे बनेंगे। अष्टदेवों के भी नंबर प्रत्यक्ष होने हैं या नहीं होने नंबर प्रत्यक्ष होंगे तो एक दूसरे से नीचे साबित होंगे। जिस धर्म में कन्वर्ट होंगे आखिरी जन्म में तो निंदा कराने के पात्र नहीं बनेंगे। आखिरी जन्म में भी नीचे न गिरे तो फिर उनको सर्वशक्तिमान का टाइटल न मिल जाए। माया सारी दुनिया को नीचे गिराती है या किसी को छोड़ देती है, है? ऐसा अहंकार कोई न करे
कि माया हमारे ऊपर विजयी नहीं बनती। माया पहले बुद्धि के कारण होता है, तो अष्टदेव उनको इसमें क्यों नहीं आया? माया जो है वो अपोजिट खून वाली है, जो संकल्पों का खून है वो भगवान बाप के संकल्पों के खून के अपोजिट है, और अष्टदेव जो है वो बाप के संकल्पों के अपोजिट नहीं है, सिर्फ लास्ट जन्म में अपोजिशन में आते हैं। अभी जितने भी एडवांस में आए हैं, कोई छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हम बुद्धि से सरेंडर हो गए? जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, कहेगा कोई? लेकिन माया जब प्रत्यक्ष होगी तो कहेगी जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, बुद्धि नहीं चलाएगी। अभी तो उसे पता ही नहीं है। माया रावण ये समझता है कि हम ही भगवान है, ज्योति बिंदु शिव है और उसके बाद साकार भगवान त्रिमूर्ति शिव कौन है? हैं? किसे समझती है त्रिमूर्ति शिव? हैं? अपन को? हाँ, अभी ब्रह्मा विष्णु हाँ जी, अभी प्रैक्टिकल में काम कौन करेगा ब्रह्मा विष्णु शंकर? क्या समझती है माया कि वो कार्य करने वाले तो हम हैं? शंकर विष्णु तो साकार में कोई होते ही नहीं। ब्रह्मा को भी निकाल दिया, जीरो की आइडिया और मंदिर तो ना अच्छी बात नहीं है, मंदिर तो ना अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, माने पत्थर की मूर्तियां बनाना अच्छी बात है और उनकी पूजा करना अच्छी बात है? कौन सी मुरली बोला? भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है, मुर्दाबाद करना है या भक्ति मार्ग को जिंदाबाद करना है? आप क्या कर रहे हैं? आप ये बात बोल करके आप क्या करना चाहते हैं? सत्ययुग की बात नहीं बाबा। अरे कोई भी युग की बात हो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। मंदिर बनाना, मूर्तियां बनाना, उनकी पूजा करना, ये सच्चा काम है या झूठा काम है? झूठा काम है। बाबरी मस्जिद बनाना अच्छी है, बाबरी मस्जिद बनाना, चलो वो भी झूठा है, लेकिन उसका नाम ही है बाबरी। बाबरी माने पगलिया। सहयोग देंगे बच्चे भी हैं, कि बच्चे बाप के पूरे और कि बच्चे वो भी सहयोग देंगे। जो बाप के अनुसार चलने वाले होंगे वो तो बाप का ही साथ देंगे, जो धर्म पिताओं के साथ अनुकूल चलने वाले होंगे वो धर्म पिताओं का साथ देंगे। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है तो अंधश्रद्धा का खंडन करेगा या अंधश्रद्धा का मंडन करेगा? बाप आता ही है अंधश्रद्धा का खंडन करने के लिए। बोला तो ऐसे ही है कि अगर कोई अपने रुमाल को भी खो देता है तो कभी हो सकता है अपने को भी खो दे। रुमाल है तो छोटा सा टुकड़ा, वो भी तो रचना है। वो रुमाल जो कपड़े का रुमाल होता है वो तो छोटा सा कपड़ा, एक फूल रचना है। और जो बच्चे होते हैं वो चैतन्य रचना है। बाप के 10-15 बच्चों में से 6
छोटा बच्चा भी अगर खो जाए उससे क्या साबित होता है? बाप अपने को प्रेफरेंस देता है या बच्चों को प्रेफरेंस देता है? बच्चों को प्रेफरेंस देता है। रचना से भी उतना ही प्यार होना चाहिए इतना अपने से प्यार है। मकान में आग लग जाए, सारे बच्चे बाहर हो गए, छोटा बच्चा अंदर रह जाए तो बाप भाग जाएगा क्या? है? नहीं भागेगा। पावन तो गाँव में नाम है। जी पति तो पावन सीताराम है, सीता का नाम क्या है? सीता के बगैर राम कुछ कर पाता है? कर पाता है? भक्ति मार्ग की है वो, भक्ति मार्ग की है सीता। भले भक्ति मार्ग की है, तुम सब सीताएं हो, सब भक्तियां हो, लेकिन सीता के बगैर राम कुछ कर सकेगा? कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सीता भी रचना है या नहीं है? है? रचना है। माया भी रचना है, बाप की बेटी है। सीता भी रचना है, लेकिन मूल कौन है? बीज तो बाप है। लक्ष्मी भी रचना है, सीता भी रचना है, माया भी रचना है, लेकिन सारा मदार किसके ऊपर टिका हुआ? झूठी गीता कहो, सीता कहो, उसको नीचे किसने गिराया? नीचे गिराने का कारण कौन बनते हैं? यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना ज्वाला भी निकली, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। और विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। गीता का भगवान कृष्ण, ये अपवित्र बुद्धि की बात है या पवित्र बुद्धि की बात है? अपवित्र बुद्धि की बात। तो जो अपवित्र बनाने में निमित्त बने उनको पवित्र भी बनाना पड़े, इसलिए बोला है कि प्रकृति ज्ञान सुनाने से परिवर्तन नहीं होगी। प्रकृति पांच तत्वों का संघात है। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। कहते हैं सीता कहां समा गई? है? पृथ्वी में समा गई। वो सीता चैतन्य रूप है, पृथ्वी जड़ रूप है। तो परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, प्रकृति का परिवर्तन प्यार से होगा। सच्चा प्यार चाहिए। प्रकृति को पल्यूट किया है, सब मनुष्यों ने पल्यूट किया है।
तो याद की पावर से ही प्रकृति परिवर्तन होगी, लेकिन पहले चैतन्य आत्माएं परिवर्तित होगी। प्रकृति जड़ है, जड़त्वमय बुद्धि वाली है, वो बाद में परिवर्तन होगी। जब तक प्रकृति का परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक स्वर्ग स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। योगी कहते हैं तो योग तो दो से बनता है, योग माना जोड़। तो आत्मा का काय से जोड़, सत्यु में देवी देवताएं होंगे उनको योगी कहेंगे, उनको योगी नहीं कहेंगे। संगम युग में योगी कहा जाता है। तो आत्मा सिर्फ आत्म की स्थिति में स्थित हो, इससे ऊंचा नहीं उठेंगे, लेकिन आत्मा परमात्मा बाप को भी पहचाने। आत्मा तो बैटरी है और बाप तो जनरेटर है। तो बैटरी का कनेक्शन जोड़ना पड़े, तभी ताकत आएगी। आत्मिक स्थिति के पावर वाले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, वो परमात्मा बाप को साकार में नहीं पहचान पाते। ये आत्मिक स्थिति से धर्म की स्थापना करते हैं, वो अधूरे धर्म है। और जो देवात्मा है वो परमात्मा बाप को पहचान लेती है, फिर सत्धर्म की स्थापना में सहयोगी बनती है। इसलिए वो संपूर्ण धर्म की स्थापना बन जाती है। और बढ़ाई करना भी याद होता है। बढ़ाई भी दो तरह की होती है। एक होती है भक्त लोग मंदिर में भगवान के मुंह के ऊपर घंटड़ी बजाते हैं, माने मक्खनबाजी करना सामने रहकर, और पीछे कहीं ग्लानी कर देना। भगवान सर्वव्यापी है, तो वो ग्लानी करना हुआ या गायन करना हुआ है? ग्लानी करना, अपना काम निकालने के लिए मुंह के ऊपर घंटड़ी बजा दी और पीछे से ग्लानी कर दी। जो असली गायन है से दिखावा करने की दरकार नहीं है, वो वाइब्रेशन से ही चारों तरफ फैलता रहेगा। तो कहते हैं दिल की आवाज,
पापा एक तरफ कहते हैं खर्चन का बनाना और दूसरी तरफ कहते हैं कब मृत्यु आ जाए, कब ट्रक ऊपर आ जाए, इसलिए पुरुषार्थ ज्यादा अच्छा करना चाहिए। दोनों में मतलब इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति भरी हुई होगी कि हमें तो डायरेक्ट भगवान पढ़ाने आया है, नर से डायरेक्ट नारायण जैसा बनाने के लिए आया हुआ है। तो उनके अंदर अपने प्रति ये संकल्प आ सकता है कि रास्ता चलते चलते कब ट्रक के अंदर दब के मर जाए और खत्म हो जाए, चलिए आएगा संकल्प? अपने लिए नहीं आ सकता। एक सामान्य बात कही गई कि शरीर का किसी को भरोसा नहीं है, ये शरीर कब खलास हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, और ये तो निश्चित बात है। एक आत्मा नित्य बुद्धि ध्रुव तारा और बाकी सब चलायमान तारा, माने निश्चय ढोल जाता है अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो अव्यक्त वाणी में जहां कहीं अगर बोल भी दिया कि शरीर का कोई ठिकाना है तो किसके लिए बोला? मुकर्र रथ के लिए बोला या बाकी और रथों के लिए बोला है? बाकी के लिए बोला। पूछना चाहते हैं कि महाभारत युद्ध में भीष्म पिता को बाणों के शैया पर सुराया दिखाते हैं, इसका अर्थ कुछ है क्या? भीष्म पितामह स्वधर्मी थे या विधर्मी थे? विधर्मी थे, एक तरह से सन्यासी थे। तो जो भी विधर्मी आत्माएं हैं वो अभी प्रत्यक्ष होने वाली है या नहीं होने वाली? और उन विधर्मियों का जो बीज होगा वो तो पहले प्रत्यक्ष होगा, और जो स्वधर्मियों का बीज है वो भी प्रत्यक्ष होता है। तो बाण दोनों के बीच में बाण मारने वाला कौन होगा और बाण खाने वाला कौन होगा है? खाने वाला विधर्मी होगा। जो विधर्मियों का बीज है वो बाण खाएगा, बाण लगेंगे क्योंकि झूठा है, और जो स्वधर्मियों का बीज होगा वो बाण मारने वाला होगा। बाण लगते लगते जब तक सूर्य उत्तरायण न हो जाए तब तक गति नहीं होगी। और सर विधर्मियों में भी एक मुख्य विधर्मी होगा, बीच होगा, तब विधर्मी है उनमें भी एक दूसरे धर्म वाले हैं। उन दूसरे धर्म वालों में मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का भी मुखिया कौन है? इब्राहिम। और इब्राहिम जो है वो तो ऊपर से आने वाली आत्मा है, वो तो 2500 साल पहले आया, वो ज्यादा पावरफुल है या उससे भी ज्यादा लंबी उम्र वाली लंबा पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है या नहीं? कौन? वो इस्लामियों का बाप है, है? बाप वो तो ऊपर से आत्मा आई 2500 साल पहले,
वो उतनी पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि आधे ही रंगमंच पर पार्ट बजाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल पार्ट बजाने वाला वो है जो कि उसके शरीर को जन्म देता है। सेकंड नारायण। और उससे भी ज्यादा पावरफुल पार्ट बजाने वाला वो है जो उस शरीर को जन्म देने वाले का भी जन्म देने वाला है। माने नारायण को भी ज्ञान देने वाला है। इस्लाम धर्म का बीज हुआ मुख्य मूल। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में कामदेव होता नहीं, होता तो है वो आत्मा, लेकिन शास्त्रों में कह दिया हुई है काम और अनंग, अंग नहीं होगा। तो बीज रूप आत्मा तो वहां भी होती है मौजूद, जो इस्लाम धर्म का नारायण है वो तो फिर भी दूसरे जन्म से आवेगा, और उसका भी जो बीज है वो तो संग भी उससे ही मौजूद होता है, वो ऑलराउंड पार्टधारी हो गया। ज्ञानी को आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान माने जानकारी, और ज्ञानी माने जानकारी रखने वाला, और किस बात की जानकारी मुख्य है? बाप की जानकारी और अपने आप की जानकारी और ड्रामा की जानकारी, इनमें भी मुख्य है बाप की जानकारी। ये तो दुनिया में भी चलन है, कोई किसी को कब प्यार करता है, उसको ज्यादा प्यार करता है जो उसके बारे में ज्यादा जानता है। भगवान बाप को भी कोई बच्चे प्रिय है जो उसके बारे में ज्यादा माहिती रखते हैं। और बाबा को कहाँ तक जाना जाना कहाँ तक जाना है, मतलब परसेंटेज की बात है, ऐसा नहीं परसेंटेज की बात है। जानकारी नहीं होती बाप, बाप बाप अपना परिचय अपने आप आकर नहीं देता है। फिर क्या बात, ये कहे कि ग्रहण करने वाला पूरा ग्रहण नहीं कर पाता है। बैटरीज नंबर वार है, कोई बड़ी बैटरीज है कोई छोटी बैटरीज है। किस बारे में पूरा जानना पड़ेगा? ड्रामा के बारे में पूरा जानना, बाबा के बारे में, बाबा के बारे में पूरा जानना, पूरा विषय में जानना है। अरे बाबा इस शक्ति पर सदा कायम है या कभी कायम है कभी ना कायम है? सदा कायम है तो हर एक जन्म को जानना,
जन्म जन्मांतर को कौन जानेगा? जो जन्म जन्मांतर साथ में रहने वाला होगा वो जानेगा, या किसी जन्म में बिछड़ गया होगा वो जानेगा? जो सदा साथ रहने वाला वो ज्यादा जाने दो। बाबा सुनाए तो ना बच्चे भी जान सकते हैं, सुनाए तो भी भूल जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार में ही है साथ रहने की। त्रेसठ जन्मों में ठोकर दे करके जो चले गए होंगे उनको कितना भी सुनाया जाए हिस्ट्री तो भी वो विदेशियों की बात पहले मान लेंगे कि हाँ भारत श्रेष्ठ नहीं था, भारतीय सभ्यता जो है ग्रीस से आई, वो हिस्ट्री को स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेजों ने जो हिस्ट्री लिखी वो हिस्ट्री भारतवासियों की बुद्धि में बैठ गई कि नहीं? बैठ गई। उन्होंने बुद्धि में साबित कर दिया कि भारत में देवताएं नहीं थे, आर्य जो है वो उत्तर से आए, ग्रीस और मेसोपोटामिया से आए। माना अंग्रेज ये साबित करना चाहते कि हमारी सभ्यता ऊंची है, हम ऊंचे हैं, और हिंदुस्तानी बात मान ली। तो वो कौन से हिंदुस्तानी है, कन्वर्ट होने वाले या नॉन कन्वर्टेड? उनको सच्ची बात सुनाता है भगवान तो भी नहीं समझते। इसलिए बोला संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते। ऐसे तो नहीं भगवान बाप ने एक को सुनाया है दूसरों को नहीं सुनाया है। अगर एक आत्मा ऐसी है जिसने जन्म जन्मांतर एक का ही संग किया है, वरम शंभु न तुरहु कुमारी, तो कोई ऐसी आत्मा भी होगी जिसने एक का संग नहीं किया लेकिन दो का संग किया है, दो के अलावा और किसी का संग नहीं किया, तो विजय महाराज वो दूसरे नंबर में होगी या उसी नंबर में होगी? नंबर की चर्ची उतना मरता ऊपर होगा। और ज्यादा तो मुकाबलेगा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का आधार क्या है? प्योरिटी। एक होती है एक जन्म की प्योरिटी और एक होती है जन्म जन्मांतर की प्योरिटी। जब बाप नहीं बतावेंगे कि किसका क्या पार्ट है तो पूछना ही बेकार हो गया है? ये बताना क्या ज्ञान की बात है? बाप ने तो बताया अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने कर्तव्य से, अपने पार्ट से, अपने वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वृत्ति से, अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। संस्कार एक ही है, एक ही आत्मा का पाठ है।
एक बात तो मिलती है दोनों में कि बाबर भी छोटा सा सिपाही था और बढ़ते बढ़ते भारत का सम्राट बन करके बैठ गया और शिवाजी भी साधारण ही परिवार के थे और बढ़ते बढ़ते इतना पावर पैदा कर ली कि जो भारत का सम्राट था उसको नाकों चले चबा दिए। बताते हैं उनके बाद मानना पड़ेगा क्योंकि बाबा के बारे में हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि जब बाबा का पाठ था प्रसाद का पाठ था तब हम माने अष्टदेव जो है उनमें भी ये प्रवृत्ति होती होगी बराबर ना, कि कोई दूसरा बताएगा तो मानेंगे, बाप बताएगा तो मानेंगे, माने जो भी आ जाएगा उसकी बात मान लेंगे तो वो अष्टदेव बन जाएंगे। तो कैसे मालूम होगा? कैसे माने बताएगा तब मालूम होगा। ब्रह्मा ने सबके सामने अपने को स्वीकार कर लिया, मैं ब्रह्मा की आत्मा हूँ, मेरे अंदर शिव प्रवेश है, स्वीकार किया ना, और तो कोई प्रूफ नहीं मिला। नास्तिक और आस्तिक का आधार है किसी साकार के ऊपर आस्था रखना माना आस्तिक, और किसी साकार के ऊपर दुनिया में आस्था नहीं रखना, अपने को ही सब कुछ मानना, उसे कहते हैं नास्तिक। इसलिए मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। जो कहे राम वाली आत्मा को ये कहने की दरकार क्या है, मैं भगवान हूँ नास्तिक माना किसी साकार के ऊपर आस्था है तो आस्तिक है। किसको अपने में भगवान कैसे कैसे साबित होगा कि मानता है या नहीं मानता है? है ना प्रूफ, किसी की बात को मान जाए
तो कहेंगे आस्तिक। हर बात को मान जाए, किसी की बात को हर बात को मान जाए तो कहेंगे आस्तिक। अगर किसी की बात को ना माने तो कहेंगे नास्तिक। है स्वयं पुरुषार्थ करके भगवान। हाँ, जैन धर्म में भी यही मानते हैं उनका भी कि मनुष्य जो है वो पुरुषार्थ करके भगवान बन सकता है। जैन धर्म के फॉलोअर्स ये बात मानते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान जो हुए हैं वो सब पुरुषार्थ करके भगवान बन गए। पहले भगवान नहीं थे, मनुष्य थे। ये जैन धर्म की मान्यता है। जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया है सच्ची व्यक्ति में। इसका कारण क्या है? संगम युग में जैन धर्म कोई अलग नहीं है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कौन से धर्म का है? जैन धर्म का है। जिन माना जीतने वाले, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो ही जिन कहलाए, और जिनके फॉलोअर्स जैन कहलाए। फॉलोअर के अर्थ में, बच्चे के अर्थ में, रचना के रूप में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो झाड़ के चित्र में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया। और सब लोगों को साकार में इसे सुना है, सब लोगों को साकार में इसे सुना है, देव लोगों पर बाप को भी साकार में इसे सुना है। अपने को मानते हैं तो साकार में कैसे इसे सुनने कर लो? एक तो आठ बार आठ के बाद अस्तर दे रहा हमारा कैसे बच जाए? बाप पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा या छुपा उत्तम बाद में खुलेगा? फिर बात खत्म हो जाती। अपने को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जो थोथे होंगे वो पहले पहले अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। जो भारी होगा, वजनी होगा, वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करेगा। जब तक उनका बजे कभी साकार नहीं मानेंगे तो उन लोग कैसे मानेंगे? ऐसा ये कोई बात नहीं होती। ब्रह्मा अपने को कृष्ण मानता, ब्रह्मा अपने को साकार भगवान मानता, तो सारी दुनिया उसको साकार भगवान मानने लगे, ये कोई जरूरी है? इसे चलेगा? आप ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा तो अपने को स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर भगवान आता है। भगवान का साकार रूप दुनिया में और कोई नहीं है। पर उसके मुरली का चलन होगा। मुरली भी चला, मुरली में भी ये बात स्वीकार की। इसलिए माने होंगे, इसलिए मानते होंगे। हाँ हाँ, तो और उनको मानने वाले ढेर सारे फॉलोअर्स निकल पड़े ना। जिसने अपने को स्वीकार कर लिया उसको मानने वाले ढेर सारे निकल पड़ेगी नहीं? जब तक प्रजापिता नहीं आता है रंग में तब तक किसी को भी मालूम नहीं होगा कि ऐसी कोई बात नहीं। बुद्धि भी एक चीज होती है। बच्चे भी कैसे आएंगे? जो बुद्धिमान बच्चे होंगे वो आएंगे। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे जिनको बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, वो पहचानेंगे। Oh,